अरे यार, मैं कब से इस ब्रेक का वेट कर रही थी। कम से कम इस ऑफ साइड के बहाने से मुंबई सिटी से 2 दिन के लिए पीछा तो छूटा। लेकिन कुछ लोग अपनी लव लाइफ को साथ लेकर चलते हैं। सोनिया प्लीज मेरा फोन दो ना। सोनिया ऐसे मत करो प्लीज। 2 दिन तो दानिश से बात नहीं करेगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। तुम लोगों को है ना सिर्फ मौका चाहिए मेरी लेग पुलिंग करने का। अच्छा ये सब छोड़, मुझे ये बता कि तूने अपनी शादी के लिए गाउन बनवाया कि नहीं। 1 महीना बचा है इसकी शादी को और ये अभी से बावरी हुई जा रही है। भूल गई वेड़ी साली। क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा इसने? यार तुम लोग को तो पता है ना मुझे मराठी का एम भी नहीं आता, फिर भी तुम लोग मेरे सामने मराठी में बात करते हो। प्लीज बताओ ना मुझे क्या कहा इसने। अब उसके लिए तुझे मराठी सीखनी पड़ेगी। आप सब लोगों के रूम अलॉट हो चुके हैं। आप लोग 11 लड़कियां हैं। ये रही आप लोगों की चाबियां, जिस पे आपके रूम नंबर और नेम टैग्स हैं। मुझे अकेले रूम मिला, आराम से अब दानिश से बातें कर सकती हूँ। कितनी अजीब सी स्मेल आ रही है यहाँ पर। रूम फ्रेशनर देखती हूँ, यहाँ जरूर होगा। सुंदर माला है। I'm lucky I found it. कितनी अच्छी लग रही है मुझ पर। आ!
आपका घर यहीं पे है क्या? क्यों बे फंटर, दावत पे आने का है क्या? चल मुंडे आगे कर और फटाफट आगे गाड़ी बढ़ा। जी। आगे से बाएं। मैडम इधर ही आने का था तो पूरे शहर में क्यों घुमाया? जाना बनता है क्या? मैं चांद पे जाने बोलेगी ना तो उधर भी जाना पड़ेगा तेरे को, समझा क्या? क्या रे बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? हाँ हलकट। रिसॉर्ट वाले भी बोल रहे हैं कि जेनी वहां पर नहीं है। कहां होगी मेरी जेनी? ओ गॉड, हमारा बेटी का हेल्प करना, प्लीज बी विद हर। किधर चला गया था तुम? तुमको मालूम है हम कितना टेंशन कर रहा था। कम इनसाइड, कम। व्हाई आर यू नॉट कमिंग? कम इनसाइड बेबी, क्या हुआ? कम कम बेबी, कम। क्या हो गया है तुमको? एंड व्हाट इज दिस? ये क्या पहन रखा है तुमने? जेनी जेनी, ये क्या पहन रखा है तुमने? हैं? और इतनी इतनी गैर जिम्मेदार कब से हो गई तुम? एक कॉल करना मांगता था ना। ए फादर, ज्यादा मचमच नहीं करने का, थक गए लिए मैं, कमरे में जाने दे मुझे। सारा दिन किरकिर किरकिर, चल हट। जबई जमाला। जेनी,
जेनी, जेनी, जेनी, जेनी, दीदी, ये तंबाकू है ना, तुझे पता है ना, तंबाकू खाना गलत बात है। ये माला कैसी है? कैसे हुआ बेटा, कैसे हुआ ये? देखा जो डॉक्टर, डोंट वरी, वो मुझे सेव किया। चल बेटा, चल। लड़की, आइडिया नहीं है, लेकिन कब से रमाकांत भाव की खोली को देख के तके जा रही है। ये रमाकांत भाव भी बड़ा रंगीला है, पहली बीवी मरी नहीं तो दूसरी लेके आया, और अब ये छोकरी के साथ जाने क्या चक्कर है।
नजर डाल रही है रे? अगे तुझा सी बोलता है मी। इधर देख, मेरे पति को घूरना बंद कर, नहीं तो तेरी आंखें नोच डालूंगी मैं। चुप हलकट, मेरे कांटिया को देखने से रोकेगी तू? तो तिज्जा वही है वो। अरे ये कहां से आ गई? पौधों की तरह। हाँ अभी चल निकल यहाँ से, नहीं तो तेरे को लात मार के निकालेगी मैं यहाँ से। तुझे बोल रही है मैं। ए, क्या करेगी तू? मेरे को मारेगी? मेरे को मारेगी? शिरल को क्या हो गया है? एकदम चुपचाप रहने लगा है। डॉक्टर से भी मेरी बात हुई है, उसने कहा कि मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो जाएगी। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। जेनी, जेनी, जेनी कहां गई थी तुम? जेनी माय चाइल्ड, इतना अर्ली मॉर्निंग तुम कहां गया था? और कितना गीला होकर आया है, जाओ जाके चेंज कर लो। जेनी कहां गई थी तुम? जेनी मैं पूछ रहा हूं, कहां गई थी तुम? आई एम आस्किंग जेनी। अरे व्हाट आर यू डूइंग बेबी? ये क्या कर रही है? व्हाट आर यू डूइंग बेबी? ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो जेनी? व्हाट आर यू डूइंग जेनी? क्या है ये पूरा दिन किरकिर किरकिर? चलो ऑटो बीच में से। आई थिंक बात कुछ और है। अच्छा हुआ दानिश बेटा तुम आ गए।
जेनी जेनी नहीं नहीं प्लीज प्लीज आप उसके रूम में मत जाइए डोंट वरी प्लीज आई विल हैंडल जेनी 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 तुम अंदर हो जेनी दरवाजा खोलो जेनी You are right, Josie. मैं
मैं कल सुबह ही चर्च जाकर फादर को बुला लाता हूँ, फिर जैसा वो कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें जेनी पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, सब कुछ। I just hope कि मेरी जेनी इससे पहले की तरह बन जाए। ये आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं। फादर, हमने जेनी के खाने में स्लीपिंग पिल्स मिलाए थे, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नो चाइल्ड, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारी कहानी क्या चाहती हो तुम? नहीं, मेरा नाम शीला है। आई विदा दर्जे खोल रात होते बचपन में ही मेरे माँ बाप दोनों मर गए और मेरे लिए एक खोली छोड़ गए। मैं सब कतरात होते लेकिन तभी मुझे रमाकांत मिला। हम दोनों को प्यार हुआ।
और हम दोनों ने शादी, लेकिन मेलिया कुत्रिया को मुझसे प्यार नहीं था, उसको मेरी खोली से प्यार था। वो मुझे घुमाने के लिए एक होटल ले गया, वही जहाँ जेनी भी आई थी। उस कमीने कुत्रिया ने धोखे से मुझसे कागज पे साइन करवा लिया और मेरी खोली अपने नाम करवा ली। उसके बाद मुझे बोला कि वो पागल थोड़ी ना है कि मुझसे सिर्फ बदसूरत से शादी करेगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मेरे से शादी करने का मुझे मत मारो, मेरे से शादी करने का छोड़ दो मुझे। कपड़ा बगीना का अर्थ तू जा। उसने मेरा, मेरे ही मंगल सूत्र से मेरा गला घोट दिया और मुझे खटर में भेज दिया। उसके बाद अगले ही दिन उस कमीने ने उस कुत्रे से शादी कर ली। Oh God, please save my child. तुम चाहती क्या? मैं उसे मारना चाहती हूँ, उसको तड़पा तड़पा के मारना चाहती हूँ, उसी तरह जिस तरह से उसने मुझे मारा था। लेकिन चाइल्ड, चाइल्ड उससे किसी को क्या फायदा होगा, किसी का क्या लाभ होगा? वो एक इनोसेंट बच्ची है, तुम उसकी जिंदगी मत खराब करो। अगर मैंने उसे नहीं मारा, उससे बदला नहीं लिया, तो मैं जेनी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे भी मार डालूंगी, मैं उसे भी मार डालूंगी। तुम ऐसा मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। प्लीज प्लीज मेरी जेनी को छोड़ दो, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो। बदला लेने का है मुझे उस रमा खान से शादी बनाने की है। नहीं चाहिए। तुम लोग रमा खान को कल मंडप में ले आओ, मैं उससे बदला लूंगी। तुम शीला को जानते हो? जानते हो तुम शीला को? शीला जिससे तुमने शादी की, कुछ याद आ रहा है? देखो रमाकांत, झूठ मत बोलना, सवाल का जवाब दो। तुम जानते हो शीला को? देखो हमें सब कुछ पता है, शीला वापस आ गई है। हाँ, और उसकी आत्मा मेरी गर्लफ्रेंड के अंदर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कैसे तुमने उसे मारा था उस मंगलसूत्र के साथ? समझ में आ रहा है कुछ? नहीं नहीं
मैंने झूठ मत बोलना, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुम्हें हाँ बोलना ही पड़ेगा, समझ गए तुम? देखो ये सब कुछ आसान नहीं है, लेकिन हमें ये सब करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है। देखो रमाकांत, तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ तुम हो जो हमारी मदद कर सकते। इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी और तुम्हारे लिए। समझ गया ना? फेरे संपन्न हो गए, अब आप पति पत्नी हो गए।
रमाकांत, रमाकांत तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो हो ना? आप लोग चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ एक नाटक था। एक्चुअली शीला की आत्मा रमाकांत को मारकर ही चैन की सांस लेती, इसके लिए हमें ये पूरा ड्रामा रचना पड़ा और इसीलिए हमें रमाकांत को ये मैरिज सूट पहनाया ताकि शीला का गुस्सा रमाकांत पर नहीं, इस सूट पर निकले। अब सब कुछ ठीक हो गया, हमारी जेनी बिल्कुल सेफ है। हाँ बेटा दानिश, तुमने सच में बहुत बहादुरी के साथ मेरी डॉटर की जान बचाई है। आजकल के जमाने में लोग अपने प्यार में इस हद तक कहाँ जाते हैं। अंकल, मैं जेनी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। रमाकांत, जो गलती तुमने की थी वो माफी के काबिल नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना सारा जुर्म पुलिस के सामने कबूल करो, और इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया है। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। बेबी, जो होना था हो गया है, अब अगले हफ्ते हमारी शादी है। सो कम ऑन, चीयर अप।